अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक, नई सुबह, नए मेहमान, नई सुबह के साथ, नए मेहमानों के साथ नया प्रोग्राम आप सबको पेश करती हूँ। और प्रोग्राम से बहुत सारी बातें होती हैं, हर एक का अपने एक फील्ड से वास्ता होता है। जैसे कि आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका भी ताल्लुक जो है टिकटॉक की दुनिया से भी है, मशकरी करते हैं टिकटॉक पे भी, और वैसे भी रियल लाइफ में भी बहुत कुछ है, बिज़नेस वगैरह भी है। और इनसे पूछेंगे कि आखिर इनका जो है, इनको टिकटॉक पसंद है नहीं पसंद, क्योंकि ये ज़रूरी है टिकटॉक के क्वेश्चंस मेरी शो के लिए, ये लोग जो है बड़े शौक से देखते हैं। तो इनसे मैं क्वेश्चन करूंगी बहुत सारे, लेकिन तारुफ करवाऊँ, निसार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अदा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का करम, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप पहले ये बताएं कि टिकटॉक की दुनिया से ताल्लुक है, मैंने सही कहा या गलत कहा है? जी है, बिल्कुल है। तो आप ये मुझे बताएं कि टिकटॉक क्या है? टिकटॉक बस ये आपको तो पता होना चाहिए कि क्या है, क्योंकि आप खुद भी क्यों टिकटॉक मैंने बनाया है, आप भी तो चलाते हैं। मैं चला, हाँ बिल्कुल, मैं यूज़र हूँ टिकटॉक। तो आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है, लेकिन आप बताएं ना, आपके व्यूवर्स को अलग पता चलेगा। असल में मेरी तकरीबन जो वीडियोज़ है ना, सारी स्लो मोशन में, और मतलब के जो इंटरेस्ट वाला काम मेरा नहीं है। मैंने जो भी वीडियो मतलब के रिकॉर्डिंग करके वो लगा दी, कोई साउंड लगा दी। हाँ, साउंड लगा दी। तो आपको क्या टिकटॉक पे लोगों का प्यार मिला, क्या व्यूज़? बस सही है, व्यूज आ रहे हैं और अपना फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन आपसे मिलके मुझे ऐसा लगे कि आप टिकटॉक वाले बंदे नहीं हो, इधर क्या कर रहे हो टिकटॉक में? हाँ ऐसा ही है, क्योंकि टिकटॉक में ना हम जैसे लोग होते हैं 24 घंटे मशकरी करना, चाहे उदास हैं, दुख में हैं, जो भी है, हंसते रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं है हमारा। ऐसा नहीं है ना? नहीं, नहीं। तो फिर क्या काम है आखिर टिकटॉक के अलावा? असल में मेरा बिजनेस है अपना। किस चीज का बिजनेस? ये मेरा है अपना ई लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। अच्छा जी। तो भाई किसी को कभी ये जो एक सिटी से दूसरी सिटी गाड़ियां मूव करती है, कंपनीज के साथ कंपनी, तो किसी को चाहिए होगी तो रابطہ करें इनसे, ये कह सकते हैं हम, प्रमोशन कर देते हैं। किस नाम से? थैंक यू। एस ए एस जी। ए एस किसके नाम पे आपने ये रखा? ये अजहर सलीम। अजहर सलीम कौन है? ये मेरा, हम तो बहुत डीप जाते हैं। भतीजा। भतीजा, तो आपको प्यारा है इसलिए आपने उनके? बिल्कुल, माशाल्लाह बेटा बड़ा है। अच्छा माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। और ये बताएं फेवरेट आपका टिकटॉकर कौन है इस टाइम? मेरा फेवरेट जो है टिकटॉकर ये अली, अली हैदराबाद जी। हमें तो छोड़ गया लेकिन वो है, क्योंकि हमारा सिंधी है हमारा। बिल्कुल। और गर्ल्स में? गर्ल्स में सदफ। सदफ मेमन, गॉड की क्वीन। माशाल्लाह, सदफ हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, उम्रे पे गई हुई है। और आई हैव नो वर्ड्स। माशाल्लाह, और कौन है गर्ल्स के अलावा? गर्ल्स में मतलब इसके अलावा? और एक तो अक्सा भी है। अक्सा किंजर, बिल्कुल। अरिशे भी है जो बहुत अच्छा। यार ये तो बारी बारी लाइन लग रही है। हाँ, ये और इसके अलावा? नहीं, जिनका काम है, काम है, बहुत अच्छी बात है। अक्सा भी हमारी बहुत अच्छी टिकटॉक यूज़र भी हैं, होस्ट भी हैं, और बहुत अच्छा वर्कआउट कर रही हैं। अरिशे सुमरू भी हमारी बहुत अच्छी यूज़र हैं। सदफ भी बहुत अच्छी है, जैसा कि हमारी दोस्त भी है, और हमारी सिंधी है, सबसे बड़ी बात यह है, तो फ़ख्र होता है। और ये सब जो हैं टिकटॉक पे, अच्छा टिकटॉक पैसा नहीं देता तो क्यों बनाते हैं आप? मुझे ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, ये तो टाइम वेस्ट है, मैं समझती हूं। बिल्कुल टाइम वेस्ट है टिकटॉक, टाइम वेस्ट है। नहीं, अगर टिकटॉक कभी नहीं हुआ तो क्या करेंगे? वो तो जो डीपली है इसमें ना, उनसे पूछे। मसलन मकसद है कि मेरा इतना वो नहीं है ना इसमें। मैंने तो अगर आप बना, अगर टिकटॉक ऐप कभी अनइंस्टॉल हो जा, मतलब डिलीट हो जाता है, यहाँ जिस तरह बीच में करा पाकिस्तान में हुआ था, तो लोग स्नैक पे चले गए थे, लोग बहुत सारी अलग वेबसाइट्स पे चले गए थे, तो आपने ऐसा किया? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। अच्छा, आप जब तक टिकटॉक है जब तक चलाएंगे, जब नहीं हुआ तो कोई और ऐप यूज़ नहीं करेंगे? कोई और ऐप पसंद है? नहीं। इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं जी, इंस्टाग्राम। अच्छा, टिकटॉक पसंद है या इंस्टाग्राम पसंद है? इंस्टाग्राम तो सही है अपनी जगह पे, वो भी अपनी एक सुने ना, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, फेसबुक पसंद है या टिकटॉक? फेसबुक। स्नैपचैट पसंद है या कैमरा, कैमरे से वीडियो बनाना? स्नैपचैट। लड़कियों से पूछते तो स्नैप बोलते हैं, आप क्यों स्नैप बोल रहे हैं? स्नैपचैट। चलो, ये है क्योंकि गर्ल्स जो होती है ना अक्सर स्नैपचैट यूज़र ज़्यादा होती है। वजह ये है कि उसमें फ़िल्टर अच्छे हैं, उसमें आजकल टिकटॉक में भी फ़िल्टर अच्छे हैं।
टिकटॉक ने बहुत प्यारे प्यारे फिल्टर्स दे दिए, ये लैशेस लगी होती हैं, आँखों के अंडे जो होते हैं वो अलग कलर के निकल लगाए हैं। मैं कभी कभी जब टिकटॉक खुद बना रही होती ना कैमरे के सामने, थोड़ा मैं भी धोखे में आ जाती हूँ, ये मैं ही हूँ, तो मैं रख देती हूँ, नहीं यार हाँ ये इतने मतलब प्यारे फिल्टर्स आ गए। कौन सा फिल्टर यूज़ करते हैं, S1 यूज़ करते हैं, F3 यूज़ करते हैं? तकरीबन मेरे जो है ना स्नैपचैट पे ना, ठीक है, तो वो ड्राई वाले होते हैं, HD करता हूँ। ठीक हो गया। फैन फॉलोइंग क्या क्या कहेंगे, कभी कोई आपको फैन मिला है चलते हुए कोई रोड पर कहीं? जी हाँ से मिल जाते हैं, लेकिन क्या है कि टाइम की जो है ना वो किल्लत है। हाँ बिल्कुल। तो किसी के साथ कभी आपने बैठ के डिनर किया अपने फैन के साथ, कोई डाई हार्ड फैन का वाकया? डिनर भी किया है बिल्कुल। अच्छा, कोई बहुत ज़्यादा आपका फ़ैन हो, कोई वाकया याद है किसी ने आपको मिला और बहुत अप्रोच किया, बहुत फोर्स किया? ऐसा कोई याद नहीं है मुझे। ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है या याद नहीं है? याद नहीं है, ऐसे बहुत हुए होंगे लेकिन याद नहीं है। लेकिन एक होता है ना, कोई एक जहन में होता है। ऐसे मेरा एक दोस्त था इस्लामाबाद में, जब मैं वहाँ गया वहाँ मुझे मिला, मैं उसको पहचान नहीं रहा था, तो कैफे पे बैठे हुए थे, वो भी उधर ही बैठा हुआ था ना मेरे सामने जैसे आप बैठी हुई हैं, हाँ इतना ही डिस्टेंस था। ठीक है। तो उसने मुझे पहचान लिया, मैंने नहीं पहचाना उसको, फिर उसने मुझे बोला कि हमारी मुलाकात फलां जगह पे हुई थी, मैंने बोला सही। तो ये आपको रिमेम्बर याद है बिल्कुल। और इसके अलावा टिकटॉक तो एक टाइम पास है, हर चीज़ है, इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं, सब सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, और इन फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? किसके बारे में? मीडिया के बारे में। असल में इन फ्यूचर मतलब मैं आपकी बात ये समझा लूँ, मतलब फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं आप, मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं? मेरा तो बिजनेस है। बिजनेस को ही रन करेंगे? जी। मीडिया में आना चाहेंगे डीपली? मीडिया से दूर क्यों हैं? बस मेरा बिजनेस है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है ना, मीडिया में आने के लिए टाइम चाहिए। तो आज आपने कैसे टाइम निकाला है? बस आज किसी दोस्त ने बोला। अच्छा जी, मेहरबानी आपकी, आप आए और आपने वक्त दिया मेरे शो को, और क्या कहेंगे मेरे शो पे आके कैसा लगा, तारा अच्छा रारा से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत नहीं ये दिल से बोले, भले बुराई कर ली है, बुराई करें लाइव शो में, मैं कहती हूँ मेरे शो पे कोई भी आते हैं ना तो ये सोच के तारीफ कभी भी नहीं करे कि हम तारा के सामने बैठे हैं या ऑन ईयर है, मैं कहती हूँ कोई बुराई करे ना तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, पक्की बात है। तो ये थे हमारे पास निसार, जो कि टिकटॉक यूज़र भी हैं और टिकटॉक को स्लोमोज बनाना पसंद करते हैं, फेवरेट टिकटॉकर के नाम बताए, और इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं, और इन फ्यूचर अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं। अब ये कोई आपका दोस्त है जो आपके साथ बहुत क्लोज है, जिसको कोई मैसेज देना चाहें? दोस्त तो काफ़ी हैं, अभी एक का नाम लूँगा तो वो प्रोग्राम दूसरे देखेंगे, वो बोलेंगे हमारा नाम लिया, बोलना मुँह से निकल गया था, मैं तो ये कहती हूँ मुँह से निकल गया था। बस सब जो भी दोस्त है ना खुश। आपकी वीडियोस टिकटॉक की कौन बनाता है? मेरे दोस्त यार होते हैं साथ में बना लेते हैं, कोई भी बना लेता है, स्पेसिफिक एक बंदा नहीं है? नहीं नहीं बंदा नहीं। ठीक हो गया। फैमिली का क्या रिएक्शन है, फैमिली सपोर्ट है, फैमिली देखती भी होगी? और नहीं, उनका कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्शन अभी तक उन्होंने नहीं लगाया कोई भी। आप मैरिड हैं? नहीं। कितने फख्र से बोला नहीं, नहीं तो लोग आके कहते हैं ऐसे दुख में आके बोलते हैं, आपने बोला नहीं, फौरन मुंह से निकला है। तो शादी कब कर रहे हैं? नेक्स्ट ईयर में। लड़की ढूंढी हुई है? जी बिल्कुल। लड़की बुकड है? जी जी। आप बुकड हैं? जी जी। तो भाई कोई आसरा नहीं रखें, कोई किसी किस्म का बुकड है, लड़की भी लड़का भी, और अगले साल शादी है, बताइएगा, मैं अपनी टीम के साथ आपको कवरेज दूंगी शादी की, इंशाल्लाह। तो भाई ये थे हमारे साथ निसार, और कल मैं एक बहुत बड़ा जो है सरप्राइज़ भी आपको देने वाली हूँ, तो कल के शो का इंतज़ार कीजिएगा, और काफ़ी जो है गपशप भी है, और कल का जो मेहमान है बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, आप सब उसके फ़ैन, बहुत सारे उसके फ़ैन्स हैं सिंध से बाहर पाकिस्तान में, और ये थे निसार, इन्होंने इनको आके बड़ा अच्छा लगा, टिकटॉक यूज़र हैं, और कुछ मैसेज देना चाहेंगे देखने वाले को, अपने फ़ैन्स को? बस मेरा ये मैसेज है कि सब अपने काम में लगे रहें, मेहनत करते रहें। आपके कहने से कौन सा वो पहले काम नहीं कर रहे थे, खुश रहे खुश रहे अपने मियां बच्चों के साथ। अच्छा, बड़ा स्पेसिफिक इन्होंने बोला, अपने मियां और बच्चों के साथ खुश रहें और काम में लगे रहें। मैं भी यही कहती हूँ, दुख दुनिया देती है गम देने वाले। साइड नहीं बोला मैंने, दोनों साइडों से बोला। अच्छा भाई, वन साइड नहीं बोला, दोनों साइडों से बोला इन्होंने, ओके है। तो खुश रहें, गम देने वाली दुनिया पड़ी है, गम देने वाले बहुत लोग हैं, दुख देते हैं,
तो आप उनको एक साइड पे परे फेंक दें और खुशियाँ एक साथ मिल के बनाएँ, छोटी छोटी खुशियों को मिल के सेलिब्रेट करें। तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में इंसान उतराव चढ़ाव आते रहते हैं, स्टेप्स आते हैं, तो इसीलिए किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक और बात, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं टिकटॉक पे भी, आपके शो में कैसे आ सकते हैं, तो मैं कांटेक्ट नहीं, रिप्लाई नहीं दे सकती किसी को, क्योंकि मैं मसरूफ़ होती हूँ, मेरी मसरूफियात की वजह से मैं किसी को रिस्पॉन्स नहीं दे पाती। तो आप RNN न्यूज़ की इंस्टाग्राम है, वहाँ पे कांटेक्ट करें, अपनी प्रोफाइल भेजें और आ सकते हैं। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपके अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।